मेरे प्रियो, कई बार आप अपने आप से पूछे होंगे और ये सवाल आप परमेश्वर से भी किए होंगे कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ बातें मांगता हूँ, मेरी दुआ मेरी बातें परमेश्वर सुनता नहीं है। आज प्रातः काल के समय मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसकी 7 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के साथ में हमें बने रहना है, उसका वचन हमारे जीवनों में होना है, तभी हमारे जीवनों में परमेश्वर चमत्कार करेगा। हम जो कुछ परमेश्वर के पास में आकर हम मांगेंगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, वो हमारे लिए पूरा करके देगा। कोई ऐसी बातें नहीं है जो वो पूरा नहीं कर सकता, हर एक चीजों को वो पूरा करके देने वाला खुदावंद है। हमारा काम क्या है, हम उसमें बने रहना है, उसके वचन को हमारे जीवनों में लेकर हमें चलना है, पालन करना है। जो इस वचन में जो लिखा है उसके अनुसार यदि हम चलेंगे और खुदा के साथ में बने रहेंगे तो जो भी हम अपने पिता से मांगेंगे परमेश्वर हमारे लिए वो काम को, वो हमारी दुआ को, जो कुछ उसके सम्मुख में हमने रखा है वो पूरा करके वो देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें।